यार मैं तो शेयर नहीं करता था, चूँकि दोस्तों गांव में रहता हूँ, शेयर करूँगा तो यार लोग तो यहाँ तक कि पागल भी बोलते थे कि क्या कर रहा है यूट्यूब पर, क्या हो जाएगा इससे। लेकिन जब मैं बोलता था भाई साहब यूट्यूब पर तुम नहीं जानते यार कि क्या नहीं हो जाएगा, तो भाई साहब आपको भी 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं चाहे कुछ करते हैं तो वो आपके जैसा नहीं होता है, उनके पास कैमरा होता है, सारा कुछ चाहिए, फुल HD में लोग देखते हैं। क्योंकि दोस्तों नए यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, मैं आप सभी को समझ सकता हूँ यार कि आपका कुछ पूरा नहीं हो रहा होगा। क्योंकि दोस्तों जब तक व्यूज नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, और मेरे साथ ही स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ था, व्यूज आ ही नहीं रहा था। तो शुरुआती दौर में व्यूज इस तरीके से लाया जाता है कि अगर अब बात आता है भाई साहब जब मैंने नया चैनल बनाया है तो व्यूज ही तो नहीं आता है तो पूरा कैसे होगा, जब व्यूज ही नहीं आएगा तो सब्सक्राइबर्स भी नहीं आएंगे और सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे तो वॉच टाइम पूरा होगा ही नहीं। आपने कैसे कि यार सब्सक्राइबर्स स्टार्टिंग डेज में लाएं कैसे, लोग मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं आपका जो प्रॉब्लम्स है ना कि आप एक कमेंट किया, थैंक यू, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई साहब आपको भी 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए अगर आप भी यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं तो, उसके बाद ही आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन कर पाइएगा, उसके बाद ही आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं अपने वीडियोज के थ्रू। क्योंकि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि अगर आप भी यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं तब दोस्तों ये दो चीज़ तो पूरा करना ही करना होगा। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब ने इसे एकदम फिक्स रखा हुआ है, 1000 सब्सक्राइबर्स तो चाहिए ही चाहिए और दोस्तों दूसरा है 4000 घंटे का वॉच टाइम। लेकिन दोस्तों कुछ महीने पहले YouTube ने इसे अपडेट किया है, जैसे कि दोस्तों अगर आप YouTube पर काम कर रहे हैं, नया नया YouTube चैनल बना है तब दोस्तों आपको 1000 सब्सक्राइबर्स तो चाहिए ही चाहिए, और अगर आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तब दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, तब दोस्तों शॉर्ट वीडियो में आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ व्यूज लाना है और 1000 सब्सक्राइबर करना है तो पूरा मतलब कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और पैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन जब आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें व्यूज कितना चाहिए, तो भाई साहब 90 दिनों के अंदर में 10 मिलियन व्यू चाहिए। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ लोगों के द्वारा देखा जाना चाहिए। भाई साहब अब आप ये बोलिएगा कि भाई साहब हमको तो पता ही यार YouTube चैनल से पैसे कमाने के लिए ये चीज़ फॉलो करना होता है, आप ये बताइए ना कि मैं जब अपना नया YouTube चैनल खोला हुआ हूँ तो 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे पूरा कर पाऊँ और 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा कर पाऊँ, आप ये बता दीजिए ना, इसके बाद ही तो मेन सारा काम है, ये तो मेरे को पता ही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप भी एक नया YouTube चैनल बना ली है तो 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट कर सकते हो और 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आज भी वो दिन मेरा याद है जब मैंने अपना भी नया एक YouTube चैनल बनाया था, तब दोस्तों नए नए लोगों के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है और दोस्तों यहाँ पर 4000 घंटे का वॉच टाइम करना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि दोस्तों मैंने भी काफ़ी एकदम जो है रात दिन करके ये दोनों कंप्लीट किया था, और दोस्तों यहाँ पर अब काफ़ी सारे लोग किस तरीके से पूरा करते हैं मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोगों को यह गलत फैमिली हो जाती है कि जिस दिन मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो गया उस दिन तो भाई साहब यूट्यूब से भर भर के पैसा है, बहुत ही पैसा है। लेकिन भाई साहब असल में होता क्या है मोनेटाइजेशन के बाद, ये आपको पता बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आज डार्क सीक्रेट भी बताने वाला हूँ कि आज जैसा आप सभी लोग सोच रहे हैं कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन हो जाने के बाद अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है और आपका चैनल मान के चलिए मोनेटाइज भी हो जाता है तो क्या आपको भर भर के पैसा आने लगेगा, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको यहाँ पर सच्चाई बताने वाला हूँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा कंप्लीट प्रोसेस बता देना हूँ। क्योंकि दोस्तों नए यूट्यूबर के लिए यह बहुत ही मुश्किल हो जाता है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे की वॉच टाइम को पूरा करना। क्योंकि दोस्तों मैं अपने गांव में ही रहता हूं, तब दोस्तों मैं गांव में ही रह करके यहां पर दोस्तों इतने सारे वीडियोस बना करके पर डे बाय पर डे मैं अपलोड किया करता था। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स हुए और दोस्तों 4000 घंटे का वॉच टाइम ही हुआ। और दोस्तों यहां पर मैंने बिल्कुल शुरुआत किया था अपना फोन से ही, काफ़ी सारे लोगों को मन में डाउट होता है यार जब तक मेरे पास कैमरा नहीं होगा चाहे और भी कुछ सारा गैजेट नहीं होगा तब तक हम यूट्यूब पर सक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोस्तों अभी भी मैं अपने मोबाइल से ही फोन से यूज़ कर रहा हूँ और दोस्तों यहाँ पर मैंने मात्र गाँव में ही रह करके आज मेरे चैनल पर देख सकते हैं 30,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट माइलस्टोन कर लिया है। और दोस्तों आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट काफ़ी मिल रहे हैं, तो दोस्तों मैं और भी मोटिवेट हो रहा हूँ कि आप सभी को भी मैं यह बता सकूँ, शेयर कर सकूँ कि यार आप कैसे पूरा कर सकते हैं, मैंने कैसे पूरा किया, स्टार्टिंग डेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, मैं सारा कुछ आपको बता देने वाला हूँ। कुछ लोग गलत ट्रैक पर चल जाते हैं और गलत ट्रैक पर जाने की वजह से इतना फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं और उसके बाद वह यूट्यूब छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो देखने के बाद सब कुछ आपको पता चल जाएगा 1000 सब्सक्राइबर से लेकर के 4000 घंटे तक का वॉच टाइम, और दोस्तों इतना ही नहीं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगी वो तो एक अलग ही लेवल की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें कि आप 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम कैसे पूरा कर सकते हैं, इससे पहले आप मेरी कहानी सुनिए। क्योंकि दोस्तों मैं भी आपकी तरह ही होगा, जनवरी 2022 में जब मैंने अपना चैनल खोला था तब चैनल खोलने के साथ तो सब कंप्लीट नहीं हो गया था, 0 सब्सक्राइबर्स होगा, 0 व्यूज होगा, 0 वॉच टाइम हावर्स होगा। लेकिन भाई साहब हुआ क्या था कि मैं जो है वीडियोज अपलोड थोड़ा थोड़ा पर डे कर रहा था, जब ये वीडियोज अपलोड कर रहा था तो भाई साहब व्यूज आ ही नहीं रहा था, सब्सक्राइबर्स भी नहीं आ रहे थे। लेकिन
दोस्तों मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता गया, तब दोस्तों कुछ टाइम के बाद जो है धीरे धीरे व्यूज आना शुरू हुआ और सब्सक्राइबर्स आना शुरू हुआ। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ही अपना नया यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो वीडियोज़ डालने के बाद ही आप लोग मतलब कि क्या करने लगते हैं, थोड़ा बहुत शेयर वेयर करने लगते हैं, जिसके कारण दोस्तों हो सकता है आपके चैनल पर व्यूज आ जाए और सब्सक्राइबर्स आ जाए और यहाँ पर आपके सामने कुछ वॉच टाइम भी पूरा हो जाता है, जैसे कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वॉच टाइम। मेरे भी ऐसे जो है शुरुआती दौर में 5 घंटा हुआ कंप्लीट, 10 घंटा कंप्लीट हुआ, 20 घंटा कंप्लीट हुआ, इस तरीके से कंप्लीट होता जा रहा था। तो मैं भी अपने एक थॉट्स में सोच रहा था कि भाई साहब ये जो सब्सक्राइबर्स तो मेरे को लग रहा था कि ये तो कंप्लीट धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन वॉच टाइम जो 4000 घंटा लग रहा था वो एक इतना बड़ा मुझे लग रहा था कि मैं कभी कभी नहीं सोच पाता था यार कि मेरे से ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो 4000 घंटा मतलब कि एकदम बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है अगर आप लोग एक नए क्रिएटर हैं तो। देखिए दोस्तों, अगर आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं और अगर उसमें व्यू जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यार जब लोग देख रहे होंगे तो वॉच टाइम बढ़ रहा होगा, और जब व्यू जाएगा तो दोस्तों ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर्स आएगा और ऑटोमेटिक वॉच टाइम आएगा। क्योंकि दोस्तों जब जब अपना यह YouTube चैनल बनाइएगा और वीडियो अपलोड करिएगा तो दोस्तों सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो होता है व्यूज, मतलब कि आपके वीडियो को लोग अगर देखेंगे तो दो चीज़ अल्टरनेटिव में आती है, यानी कि सब्सक्राइबर्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, भले ही आपका मान के चलिए शुरुआत में सब्सक्राइबर्स बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है कि 100 लोग देखे हैं और मात्र एक ही लोग सब्सक्राइब किए हैं, लेकिन जब 100 लोग देखे हैं तो वॉच टाइम तो सब कुछ ना कुछ मिनट तो देखे होंगे ना। अगर आपका कंटेंट अच्छा रहा तो अगर 100 लोग मतलब कि 5 मिनट का वीडियो है और अगर मान के चलिए जो आप सिखाए हैं वीडियो में वो लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ज़रूर आपका अगर 2-2 मिनट भी देख रहा है लोग, अगर 100 व्यू आ गया तो 200 मिनट यानी कि 2.5 घंटा पूरा हो ही गया। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वह नया चैनल के लिए और वॉच टाइम सब्सक्राइबर्स पूरा करने के लिए वह सबसे बड़ा जो फोकस आपको रखना चाहिए वो रखना चाहिए व्यूज पर। अब बात आता है भाई साहब, जब मैंने नया चैनल बनाया है तो व्यूज ही तो नहीं आता है तो पूरा कैसे होगा? जब व्यूज ही नहीं आएगा तो सब्सक्राइबर्स भी नहीं आएंगे और सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे तो वॉच टाइम पूरा होगा ही नहीं। आपने कैसे कि यार सब्सक्राइबर्स स्टार्टिंग डेज में लाएं कैसे? तो भाई साहब यहां पर मैं आपको जर्नी बताता हूं कि चूंकि दोस्तों यहां पर मैं गांव से रह करके वीडियोज़ बनाता हूं, अपने घर से रह करके वीडियोज़ बनाता हूं। तब दोस्तों जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरुआत किया था तब वीडियोज़ बनाने के बाद यार मैं भी सोच रहा था कि व्यूज कैसे आएगा, सब्सक्राइबर्स कैसे आएगा, मेरे को तो पूरा करना है और यूट्यूब से भी अर्निंग करना है आखिरकार, मतलब कि कैसे करें ये सब कंप्लीट। चूँकि जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था यार तो 10-15 दिन के बाद 0 व्यू सा कुछ हो नहीं रहा था। मैं सोचा यार ऐसे रहने से काम नहीं चलेगा, मेरे को कुछ करना पड़ेगा, जब तक व्यूज नहीं आएंगे तब तक कुछ कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। चूँकि दोस्तों नए यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, मैं आप सभी को समझ सकता हूँ यार कि आपका कुछ पूरा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि दोस्तों जब तक व्यूज नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और मेरे साथ ही स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ था, व्यूज आ ही नहीं रहा था, भाई साहब वीडियो अपलोड कर रहा था व्यूज आ ही नहीं रहा था। तो यार मैंने एक दिमाग लगाया कि अच्छा कोई बात नहीं, व्यूज़ अगर नहीं आ रहा है तो अब काफ़ी सारे लोग क्या करने लगते हैं कि अपना वीडियो को शेयर करने लगते हैं। और दोस्तों मैं गांव से वीडियो बनाता था तो मैं शेयर करता ही नहीं था यार, चूँकि मेरा फ्रेंड्स देखेगा तो कहेगा ये यार क्या कर रहा है यूट्यूब पे तुम वीडियो बना रहा है क्या, मतलब पागल कर रहा है, पढ़ाई छोड़ लिखा के मतलब क्या कर रहा है। चूँकि दोस्तों मैं पार्ट टाइम थोड़ा बहुत शुरू किया था, मैं एक बार बता देता हूँ कि मैंने 2020 में ही अपना कभी ना एक बार यूट्यूब चैनल शुरू किया था, लेकिन शुरू करने के बाद जब मैंने पहला ही दिन वीडियो बनाया तो मैंने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया और उस दिन उतना मुझे डिमोटिवेट कर दिया 2020 के ही सालों में कि उसके बाद मैंने सेकेंड वीडियो अपलोड किया ही नहीं और मैंने अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया। उसके बाद दोस्तों मतलब कि एकदम समझ लीजिए कि आपको मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट कर देते हैं। तो दोस्तों यार जब उसके बाद दोस्तों 2 साल के बाद 2022 में ही जब मेरा BSc फाइनल ईयर चल रहा था तब दोस्तों मैंने सोचा नहीं यार इस बार मेरे को फिर से यूट्यूब चैनल बनाना है और इस बार जरूर कुछ ना कुछ फर्स्ट पेमेंट लेना है। किसी भी तरीके से मैं सोचा था यार कि ये सब कंप्लीट करके फर्स्ट पेमेंट लेना है और इस बार मैं जब यूट्यूब चैनल बनाऊंगा तब मैं किसी को शेयर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो दोस्तों मैंने यह ठान लिया और दोस्तों 19 फरवरी 2022 को मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। उसके बाद दोस्तों जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया तब दोस्तों व्यूज तो आ ही नहीं रहा था, तो जब व्यूज नहीं आ रहा था तो कुछ पूरा होगा नहीं। तब दोस्तों मैंने कहीं व्हाट्सएप फ्रेंड के द्वारा यहाँ पर मैं कहीं शेयर नहीं किया, क्योंकि जब से मैं शेयर कर देता तो फर्स्ट वीडियो में बोलता यार फिर क्या मतलब 40 झूठों के ऐसे ही कर रहे हो, 2-3 बार कर चुके हो, कभी कुछ हुआ है? जो लोग अगर यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं चाहे कुछ करते हैं तो वो आपके जैसा नहीं होता है, उनके पास कैमरा होता है, सारा कुछ चाहिए, फुल्ली HD में लोग देखते हैं। आजकल वीडियो लोग तुम देखते हो 360p में चाहे लो क्वालिटी में लोग ऐसा नहीं देखते हैं। तो मैंने भी सोचा यार बात सही, आजकल ये सब कौन वीडियो देखेगा, लेकिन भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जो कंटेंट बनाते हैं वो कंटेंट इज किंग, मतलब कि दोस्तों जो आप वीडियो में लोगों को सिखाने वाले हैं बताने वाले हैं अगर थोड़ा सा क्वालिटी कम भी है तो लोग देखते जरूर हैं देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली जब मैंने 2022 में पहला वीडियो अपलोड किया तो किसी दोस्त के साथ कहीं भी शेयर बिल्कुल भी नहीं किया था, ताकि यार फिर से मेरे को डिमोटिवेट मुझे नहीं मैं नहीं होना चाहता था। तो दोस्तों यहाँ पर जब मैं शेयर नहीं करता था तो
व्यूज आया कैसे। तो एक्चुअली दोस्तों 10-15 दिन में पहला वीडियो में जब मैंने किया तो व्यूज़ तो नहीं आया। जब मैंने दूसरा वीडियो अपलोड किया तब व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन जब मैंने तीसरा वीडियो अपलोड किया शाम को और जब मैंने सवेरे उठ के देखा तब एक वीडियो में 10 व्यू आ चुका था। अब 10 व्यू कैसे आ चुका था, तो मैं उस 10 व्यूज में से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि दोस्तों वो एक जो मैं वीडियो बनाया था वो दोस्तों मैं बनाया था सर्चेबल टॉपिक पे, मतलब कि आई थिंक मैंने बनाया था कि जो है एकदम जो लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं। तो अगर आप लोग, मैं कहना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर में व्यू लाया कैसे जाए, तो शुरुआती दौर में व्यूज इस तरीके से लाया जाता है कि अगर कोई चीज़ लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो सर्चेबल टॉपिक पे वीडियो बनाइए। अगर सर्चेबल टॉपिक पे शुरुआती दौर में वीडियोज़ बनाइएगा तो वो व्यूज उसमें ज़रूर आएगा। और यहाँ पर दोस्तों शुरुआती दौर में आप ये कर सकते हैं कि क्या होता है कि आप जो है अपने फ़ोन से हो सकता है 2-4 जीमेल आईडी बना लीजिए और उसके बाद दोस्तों आप अपने चैनल का नाम सर्च करके वीडियोज़ को पूरा फुल वॉच कर लीजिए। मैं स्टार्टिंग डेज में यार थोड़ा बहुत किया हूँ, चूँकि दोस्तों जब तक आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तब तक आप खुद के वीडियो 3-4 जीमेल आईडी बना करके खुद देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कोई प्रॉब्लम अंकल या फिर आप अपने माँ पिता का अगर मोबाइल होगा तब दोस्तों उनसे भी मोबाइल लेकर के और चैनल सर्च मार के आप फुल वीडियो देख लीजिए। जब आप फुल वीडियो देख लीजिएगा तो थोड़ा बहुत व्यूज आ जाएंगे और वॉच टाइम भी आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप उस वीडियो को जो है जब आप पूरा देख लीजिएगा तो यूट्यूब के एल्गोरिथम में ऐसा है कि अगर आपका वीडियो पूरा देखा जा रहा है तो धीरे धीरे व्यूज आने लगेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आप 4-5 जीमेल आईडी से बना करके खुद 5 व्यूज ले आते हैं और पूरा देख लेते हैं तो 5-10 व्यूज ऐसे ही बढ़ जाता है। और जब 5-10 व्यूज बढ़ जाता है तो आपका वीडियो जो है यूट्यूब धीरे धीरे लोगों के पास भेजना स्टार्ट कर देता है। और जब लोगों के पास भेजना स्टार्ट कर देता है और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड करते हैं तो धीरे धीरे 10-15-20 व्यूज आने लगता है। और अगर 10-15 व्यूज आने लगा जेन्युइन एकदम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप, मतलब कि धीरे धीरे टाइम के साथ अगर व्यूज आ रहा है 10-15 ही आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका चैनल सही चल रहा है। क्योंकि यार शुरुआती दौर में कम ही व्यूज आए, अगर कोई मेरे वीडियो में शुरुआती दौर में कोई एक डिसलाइक भी मार के चला जाता था तो मैं खुश होता था कि एक लोग तो ऐसा जरूर है कि मेरा वीडियो टिपा है ना कोई, क्योंकि मैं तो अपना खुद वीडियो डिसलाइक नहीं करूंगा तो कोई ना कोई तो टिपा है ना डिसलाइक, तो मेरा वीडियो तो कम से कम देखा है ना, यानी कि उस लोगों के पास पहुंचा है ना, तो मैं बहुत खुश होता था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि शुरुआती दौर में एक कंसिस्टेंसी बनाना है, रेगुलरली थोड़ा सा मेहनत करना है। तो फाइनली दोस्तों शुरुआती के दिन में जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया तब 5-10 व्यूज कुछ इस तरीके से लाता था। और जब मैं रिलेटिव्स के घर जाता था तब दोस्तों उनका भी मोबाइल लेकर के मैं जो है अपना चैनल में फुल वीडियो वॉच करता था। और जब मैं फुल वीडियो वॉच करता था तो देखता था यार 10-15 व्यूज हो चुके हैं, तो 5-6 व्यूज ऐसे ही बढ़ जाता था और मैं वीडियो कंटिन्यू अपलोड कर रहा था। और यहाँ पर क्या होता है कि जब मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहा था तब धीरे धीरे लोगों के पास यूट्यूब भी भेज रहे थे, जैसे कि 100 लोगों के पास भेजा गया तो 2 ही भेजाया, 5 भेजाया और धीरे धीरे 1-2 सब्सक्राइबर से भी बढ़ने लगे थे। और यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि मैं इसी तरीके से 3-4 महीना वीडियोज अपलोड करता गया, चूँकि दोस्तों यहाँ पर मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरी है। तब दोस्तों यहाँ पर मैं एकदम बिना सोचे यार कि मेरा एक दिन कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा, मैं देख रहा था कि मैं 6 महीना तो ट्राई जरूर करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि 3 महीना के बाद 4th महीना में जब एक मैं ऐसा वीडियो अपलोड किया उस पर दोस्तों क्या होता है कि 100 व्यूज एक दिन में आ गया था। उसके बाद दोस्तों 100 व्यूज आ गया तो उसी दिन में 200 व्यूज, 300, मतलब कि उस पर 1000 व्यूज आ गया। और उसी में दोस्तों धीरे धीरे व्यूज बढ़ रहा था तो 10,000 एक वीडियो में व्यू आ गया था, जिसकी वजह से 50-60 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए थे। उसके बाद दोस्तों मैं वीडियो कंसिस्टेंसी अपलोड कर रहा था तो उसके बाद धीरे धीरे व्यूज 50-60 आने लगे थे। और जब 50-60 आने लगे थे तो 5-6 महीना बीत गया था, 5-6 महीने में मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए थे 500। और जब 500 सब्सक्राइबर्स हो गए थे तो भाई साहब 50-60 व्यूज आने लगा था और धीरे धीरे वॉच टाइम भी कंप्लीट होने लगा था। दोस्तों अगर आप लोग को 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है तो 4000 घंटे वॉच टाइम माइंड से निकाल दीजिए, आप सीधे समझिए कि 500 घंटे आपको पूरा करना है 8 टाइम्स। तो मैंने सोच लिया था यार और कि 500 घंटा कंप्लीट, मतलब कि एक माइलस्टोन कंप्लीट, 500 घंटा एक और कंप्लीट, एक माइलस्टोन और कंप्लीट। तब दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से 3 महीना वीडियो मेरा एक वायरल हुआ था, मेरे लिए तो वायरल 10,000 उस टाइम भी बहुत होते थे तो मैं उसको वायरल ही समझूंगा। आज भी वह 10,000 पे लेकिन नहीं अटका है, पता नहीं क्यों। और इसी तरीके से दोस्तों धीरे धीरे मतलब कि व्यूज आने लगे और मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड करता गया तब व्यूज भी आने लगे ऑर्गेनिक जेन्युइन। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब लोग आपका वीडियो को देखते हैं तब वॉच टाइम तो ऑटोमेटिक बढ़ता है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। तो यार स्टार्टिंग के दिन में आपको व्यूज लाना है कैसे, तो दोस्तों यार मैं तो शेयर नहीं करता था, चूँकि दोस्तों गाँव में रहता हूँ, शेयर करूँगा तो यार लोग तो यहाँ तक कि पागल भी बोलते थे कि क्या कर रहा है यूट्यूब पर, क्या हो जाएगा इससे। लेकिन जब मैं बोलता था भाई साहब यूट्यूब पर तुम नहीं जानते यार कि क्या नहीं हो जाएगा, तो यार जब मैं डिमोटिवेट मतलब कोई मेरा फ्रेंड्स लोग करता था तो मैं यार इस बार जब मैंने अपना नया चैनल बनाया तो किसी के साथ जैसे कि मैंने बताया कि शेयर नहीं किया करता था। तो इस तरीके से 3-4 महीने जब मैंने मेहनत किया उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे मेरे को रिजल्ट मिला
महीना शुरू हुआ। और दोस्तों यहाँ पर मैं 8 महीना में कंप्लीट कर चुका था 4000 घंटा का वॉच टाइम, लेकिन सब्सक्राइबर्स 1000 नहीं हुआ था। सब्सक्राइबर्स होने में लगे मेरे को 10 महीने, 10 महीने में मैं 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब मैं चैनल मोनेटाइजेशन किया, तब दोस्तों मोनेटाइजेशन हो जाने के बाद अब मेरी अर्निंग शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को क्या मतलब कि डाउट्स रहता है कि अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है तब काफ़ी सारा व्यूज भर भर के आता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों जो आपका पैसा आता है मोनेटाइजेशन करने के बाद, वह दोस्तों आपका चैनल पे व्यूज का ही पैसा मिलता है और किसी चीज़ का पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर आप लोग मान के चलिए, काफ़ी सारे लोग गलत ट्रैक पे, मैंने बोला था कि क्यों चले जाते हैं, काफ़ी सारे लोग मतलब कि गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि किन्हीं से पैसा दे करके सब्सक्राइबर्स गेन करवा लेते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स किसी भी तरीके से फेक सब्सक्राइबर्स हो जाता है और क्या कहते हैं कि यार मतलब कि मैं आपका 4000 घंटा भी वॉच पूरा कर दूंगा, 2-3000 रुपये दे दो, और वो लोग दे देते हैं। और किसी तरीके से मान के चलिए ऐसा करने के बाद अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है तो भाई साहब का एक भी रुपया अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप वीडियो अपलोड कीजिएगा तो व्यूज ही नहीं आएगा, और व्यूज नहीं आएगा तो आपको एक भी रुपया बिल मिलने ही वाला ना है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो पैसा मोनेटाइजेशन होने के बाद पैसा सिर्फ और सिर्फ व्यूज का ही मिलता है, और यहाँ पर किसी भी चीज़ का अर्निंग आपको नहीं होने वाला है। और जब आपका यूट्यूब चैनल पर व्यूज ही नहीं आएगा यार, तो पैसा कैसे कमा सकेगा? क्योंकि दोस्तों मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद 100-200 व्यूज आ रहे थे, और यहाँ पर दोस्तों अभी मान के चले कि 30000 सब्सक्राइबर्स हैं, तब दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो में किसी वीडियो में लास्ट 48 घंटा में 1000 व्यूज आ रहा है, 2000 व्यूज, मैंने सब वीडियो में मिलाकर के 40-50 हज़ार व्यूज आ जा रहे हैं नॉर्मली। इस तरीके से दोस्तों आपको थोड़ा सा रेवेन्यू मिलता है व्यूज का, ना ही दोस्तों आपको मिलता है सब्सक्राइबर्स का। ठीक है, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा कर लेने से और 4000 घंटा का वॉच टाइम पूरा कर लेने से आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। सो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ स्टार्टिंग डेज में थोड़ा सा मैं अपना जर्नी शेयर किया, और मैं आपको सच्चाई बताया कि आखिरकार जब आपका 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हो जाता है तो पैसा किस चीज़ के मिलता है। तो आप लोग गलत चक्कर में ना पड़े, आप लोग मेहनत करते रहें, 3 से 6 महीना टाइम और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। धीरे धीरे अगर आपका व्यूज आ रहा है तो भाई साहब आप लॉन्ग टर्म तक टिकने वाले हैं और अच्छे खाए से आप जो है अर्निंग करने वाले हैं। आप लोग शॉर्ट फॉर्म और जल्दी के फेरा में बिल्कुल भी नहीं रहिए। तो आई होप आज की इस वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में इसी तरीके की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।